तो फरवरी की बढ़िया स्टार्टिंग हो चुकी है। 3 फरवरी को जापान के अंदर सीजन 3 के फर्स्ट एपिसोड जो कि पूरे 1 घंटे का है और उसके साथ सीजन 2 के लास्ट के 2 एपिसोड, इन तीनों को ही कंपाइल करके पूरी एक मूवी को जापान के अंदर थिएटर में रिलीज किया गया, जिसने प्रीमियर नाइट के अंदर ही 230 मिलियन येन को अर्न कर लिया था जो की 14.5 करोड़ के अराउंड होता है और एक दिन के अंदर 320 मिलियन येन अर्न करा जो की 20 करोड़ के अराउंड होता है। तो काफी ही तगड़ा रिस्पॉन्स देखने को मिला, लेकिन ये मेरे लिए कोई शॉकिंग बात नहीं थी क्योंकि जब तुम्हें किसी की पोटेंशियल के बारे में पता हो तो तुम्हारी उससे एक्सपेक्टेशन हाई होती है एंड डेमन स्लेयर नेवर डिसअपॉइंट अस। लेकिन अभी सबसे बड़ा क्वेश्चन ये है कि ये इंडिया के अंदर कब होगा। जापान के अंदर आई, अच्छा कलेक्शन करा, लोगों ने एंजॉय करा और यूट्यूब पे भी काफी ज्यादा लीक फुटेज निकल के आई, लेकिन ये सब तो उन्होंने एंजॉय करा, इसमें हमारा क्या फायदा, उससे मेरा क्या फायदा। तो देखो 90% चांस है कि ये इंडिया के अंदर भी एयर होगा। अब तुम्हारे मन में क्वेश्चन आ सकता है कि इतनी बड़ी उम्मीद मैं तुम्हारे अंदर क्यों जगा रहा हूँ, अब इसके इंडिया में आने के इतने हाई परसेंटेज क्यों है ये तुम्हें आगे वीडियो में पता चल जाएगा। एंड हाल ही में ही सारे अपर मून डीमन्स की वॉइस को रिवील कर दिया गया जो कि मुझे काफी पसंद आया। हर एक डीमन के ऊपर काफी बढ़िया तरीके से वॉइस मैच कर रही थी एंड बाद में मुझे पता चला कि जितने भी वो वॉइस आर्टिस्ट थे वो सारे ही पॉपुलर एनिमे के वॉइस आर्टिस्ट रह चुके हैं और इस चीज को तुम डिनाई नहीं कर सकते। यूएफओ टेबल हमारी सोच के बियॉन्ड चलता है, जहां तक हम सोच नहीं सकते वो उस लेवल का काम करके देता है। वॉइस डबिंग आर्टिस्ट की बात आई, टॉप आर्टिस्ट उसने उठाए, एनिमेशन का मुझे तुम्हें बताने की जरूरत नहीं है। मैं एक पॉइंट तक सोच सकता था एनिमेशन को लेकर, लेकिन वो यूजी वर्सेस गियोतारो की फाइट तुम्हें याद होगी भाई, क्या फाइट थी वो। मैंने आज तक काफी सारे एनिमे देखे हैं लेकिन वो जो फाइट थी ना, ट्रस्ट मी, वो इतनी तगड़ी फाइट थी, उसके अगर तुम एनिमेशन देखोगे तो यार क्या एनिमेशन थी वो। यहाँ तक कि लोगों को ये भी कहना था कि ये सीन बनाते हुए इसके मेकर्स इसका बजट ही भूल गए थे और इस चीज से मैं कम्प्लीटली एग्री करता हूँ। तो आखिरकार ये 3 फरवरी को जापान के अंदर आ चुका है, 18 मार्च को आई थिंक ये यूएस में आएगा और 3 मार्च को ये कनाडा में आएगा। धीरे धीरे करके इसकी रिलीज डेट आती रहेगी, ऐसी आई थिंक 80 कंट्रीज के अंदर ये एयर होने वाला है, जिनमें से अभी इंडिया की अनाउंसमेंट नहीं की गई है। लेकिन तुम चिंता मत करो क्योंकि इंडिया की भी अनाउंसमेंट हमें जल्दी देखने को मिल जाएगी। और ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूँ, तो अगर हम समय में थोड़ा पीछे चले, जब डीमन स्लेयर का सीजन 1 एयर हुआ था इंडिया के अंदर, उस समय इंडियन ऑडियंस की तरफ से इनके मेकर्स को काफी तगड़ा रिस्पांस देखने को मिला था। अच्छे रिस्पांस के चलते ही इन्होंने डीमन स्लेयर मुगन ट्रेन को इंडियन थिएटर के अंदर रिलीज किया था और उससे भी इन्हें काफी अच्छा रिस्पांस मिला। तो इंडिया के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन का एग्जैक्ट अमाउंट नहीं मिल पाया, लेकिन साउथ ईस्ट एशिया के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन की बात करें तो 0.77 बिलियन येन था, इंडियन रुपीज में बोलूं तो 49 करोड़ के अप्रोक्स था। सबसे मेन बात, उस समय लॉकडाउन चल रहा था और लॉकडाउन में भी इतना अच्छा कलेक्शन करना कोई मामूली बात नहीं थी। फिर उसके बाद इन्होंने इसके सीजन 2 और इसके मूवी दोनों को ही हिंदी में डब किया। अब तुम यहाँ पे थोड़ा लॉजिक लगा के देखो कि अगर उन्हें यहाँ पे अच्छा रिस्पांस नहीं मिल रहा होता तो वो इतनी सारी चीजें क्यों करते, मूवी को रिलीज करा फिर इसके सीजन 2 और इसके मूवी को भी हिंदी में डब कर दिया ताकि ज्यादा से ज्यादा इंडियन ऑडियंस इसको एंजॉय कर पाए। साफ सीधी सी बात, अगर उन्हें रिस्पांस नहीं मिलता तो वो सारी चीजें नहीं करते। एंड अभी हाल ही में ही पीवीआर की एक पोस्ट में किसी ने कमेंट करके पूछ लिया था कि हमें डेमन स्लेयर का सीजन 3 इंडियन थिएटर में मिलेगा या नहीं, तो पीवीआर ने भी उसे रिप्लाई करके बोला वी हेयर यू। पर सीधी सी बात है, वो धीरे धीरे करके अनाउंसमेंट कर रहे हैं। ऑब्वियसली बात है, किसी भी कंट्री में रिलीज करने से पहले उसके एनालिटिक्स चेक करेंगे, उसमें थोड़ी रिसर्च करेंगे, उसके बाद ही वो कोई डिसीजन ले पाएंगे। जब उन्हें लगेगा कि हाँ इस कंट्री में इस चीज की जरूरत है और यहाँ से हमें अच्छा खासा रेवेन्यू मिल सकता है, तब उस हिसाब से वो अनाउंसमेंट करके हमें बता देंगे। और उनमें से इंडिया भी एक होने वाला है। और सबसे मेन बात, ऑडियंस प्रेशर। देखो जापान के अंदर रिलीज हो गई तो अब तुम्हें क्या लगता है कि इंडियन ऑडियंस ने पीवीआर को डीएम करके या ट्वीट करके बोला नहीं होगा कि हमें भी इंडिया के अंदर चाहिए, यानी कितने सारे मैसेज उन्हें इंडिया की तरफ से देखने को मिल गए होंगे क्योंकि भाई लोगों को चाहिए इंडिया के अंदर। और अच्छा, ये जितना ज्यादा इंडिया से उन्हें क्रेज लगेगा वो हिसाब से ही डेट को अनाउंस करेंगे। तो एट दिन देखो यार, इंडिया काफी अच्छा खासा ग्रो कर रहा है एनिमे के मामले में और ये चीज कंपनी पता लगा लेती कि कहां पे किस चीज का कितना क्रेज है। तो तुम ज्यादा टेंशन मत लो, इंडिया के अंदर में डेफिनेटली देखने को मिलेगा। थोड़ा वेट करो और अपने जज्बातों को संभाल के रखो।